हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेडिसिन के हाई यील्ड टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि नीट पीजी और एम्स एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो मेडिसिन है बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। सो जब आइडियली आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं पीजी की, तो आप मेडिसिन को 10-15 डेज अलॉट करते हैं। पर कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेडिसिन को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं जो भी हाई इल टॉपिक्स आपको जो बता रहा हूँ, या आप कोई भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से इन टॉपिक्स के वीडियोस और क्यू बैंक कर लेंगे, तो आपका जो मेडिसिन का जो सब्जेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आई होप मैं क्लियर हूँ। जो भी हाई हील टॉपिक्स है आपको उनके वीडियोस मैरो या फिर प्रिपरेटर से देखना है और उनके क्यू बैंक और मॉड्यूल को सॉल्व करना है, और जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको वो उसको पूरा पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कार्डियोलॉजी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियोलॉजी में, वो है ECG। एक्चुअली क्या था कि जो नीट 2020 था उसमें ECG के ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, तो ये 100% प्रोबेबिलिटी है कि 2021 में जो नेक्स्ट जो पीजी होगी 2021 उसमें 3 क्वेश्चन ECG से फिक्स हैं। तो आपको ये बहुत बाई हार्ड याद करना है ECG। आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसको आपको जो भी उसका मैनेजमेंट है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे आपने आइडेंटिफाई किया कि वो PSVT का ESG है, तो उसको आपको उसको आपको PSVT का मैनेजमेंट ही पता होना चाहिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो इससे 3 क्वेश्चन आएंगे ECG में। आपको किस किस चीज़ का ECG पता होना चाहिए, उसमें से पहला है मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ECG। तो आप मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो ECG है उसमें आपको 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक है कौन सा वॉल्व इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, और कौन कौन सी लीड्स में चेंजेस दिख रहे हैं। एग्जांपल के तौर में यदि इंफीरियर वॉल का MI है तो उसमें राइट सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व होती है, और 1, 3 और AVF लीड्स में ST एलिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से आपको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के ECG के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना PSVT और उसका मैनेजमेंट। यदि आपने डायग्नोस किया कि ये ECG PSVT का है, तो आपको उसका मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए कि पहले अपन लोग 6 mg एडिनोसिन देते हैं, फिर अपन लोग उसको 12-12 आवर्स बाद फिर से अपन लोग एडिनोसिन रिपीट करते हैं, फिर यदि अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड ना करे तो अपन लोग डिसीज शॉक देते हैं। तो ये इसका मैनेजमेंट है। नेक्स्ट ECG अपना एट्रियल फिब्रिलेशन वर्सेस एट्रियल फ्लटर। नेक्स्ट अपना मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया MAT, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ECG है एम्स के लिए। मैंने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में इसको शेयर भी किया था मैट्स के ऊपर जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैट को लेके, मल्टीफोकल एट्रियल टैकीकार्डिया को लेके। नेक्स्ट अपना ECG है हार्ट ब्लॉक और अरिथमियाज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ECGs हुए। आपको ECG की आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसका मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए। मैं सभी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ उस पर मैं हर पर्टिकुलर टॉपिक में एक वीडियो बना दूंगा, और मैं पूरा कंटेंट आपको नवंबर के पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप दिसंबर में उसको रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वल्वुलर हार्ट डिसीज। तो वल्वुलर हार्ट डिसीज में जो लेफ्ट साइडेड वल्वुलर लीजन्स होते हैं, जैसे कि मायोकार्ड, जैसे कि मिटरल सिनोसिस, मिटरल रिग्रेडेशन, एओर्टिक सिनोसिस, एओर्टिक रिग्रेडेशन, इनके आपको कॉज पता होना चाहिए, क्या 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 साइन मिलते हैं और क्या ट्रीटमेंट है इन सबका। आपको साथ साथ पेरिफेरल साइंस पता होना चाहिए जो कि एओर्टिक रिग्रेडेशन में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रूमेटिक हार्ट डिसीज और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो इन दोनों का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। रूमेटिक हार्ट डिसीज में है जॉन्स क्राइटेरिया, और यदि आप एम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ड्यूक्स क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो ड्यूक्स क्राइटेरिया है वो अपन लोग यूज़ करते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में। आई होप मैं क्लियर हूँ। जॉन्स क्राइटेरिया इज़ फॉर रूमेटिक हार्ट डिसीज एंड ड्यूक्स क्राइटेरिया इज़ फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। तो आपको इन दोनों का क्राइटेरिया पता होना चाहिए और क्या क्या एटियोलॉजी ये पर्टिकुलर डिजीज कॉज कराती हैं और इनका ट्रीटमेंट। जैसे अपना टॉपिक है कार्डियोमायोपैथी। वैसे तीनों कार्डियोमायोपैथी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर एक चीज किसी स्पेसिफिक का नाम लेना चाहूँ तो वो है HOCM। सो HOCM इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग्स ऑल दी 3 मायोकार्डियोपैथीज। तो इसका आपको क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और इसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना पल्सेस। तो कौन कौन से टाइप की पल्सेस होती हैं उनके एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए। मैं इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अपना है JVP। JVP जो भी वेव्स मिल रही है वो किस कारण से मिल रही है आपको ये पता होना चाहिए कि AVF किस लिए मिल रही है, CVF किस लिए मिलती है। और साथ साथ आपको इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको कब लार्ज AVF मिल रही है, AVF और AVF की एनोमलीज
जैसे कि लार्ज एयर वेव्स, कैनन एयर वेव्स और इनके एग्जांपल्स कि कब कब आपको किस किस कंडीशन में लार्ज एयर वेव मिलती है, सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना मर्मर्स, तो आपको मर्मर्स जो भी वेव्स आपकी मर्मर्स है आपको पता होना चाहिए कि वो मर्मर्स किस साइट में मिलेंगे, जैसे अर्थ पॉइंट क्या है, परमाणु स्थानीय की मर्मर कहाँ मिलती है, एवर्टिक रेडिएशन की मर्मर किस साइट पर मिलती है, इसमें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा जिसमें आपके जो भी कॉन्शियस है वो सब क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना कार्डियक टेम्पोराइड, टेम्पोराइड इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो आपको इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और इसका ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है इस्केमिक हार्ट डिसीज, इसका मैनेजमेंट और आप कैसे डायग्नोस करोगे कि ये इस्केमिक हार्ट डिसीज का आप डायग्नोस कैसे बनाओगे ईसीजी के द्वारा, तो आपको इसी डायग्नोसिस आपको इसको पता होना चाहिए हर पर्टिकुलर इस्केमिक हार्ट डिसीज का। नेक्स्ट अपना हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में दो क्लासिफिकेशन है, JNC 8 और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, पर अगर यदि आपको कोई एक प्रेफर करना है तो आप अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन को प्रेफर करोगे ओवर JNC 8। आपको हाइपरटेंशन पता होना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव देते हो, तो आपको वेस्ट कंडीशन में क्या DOC है वो आपको पता होना चाहिए। आई होप मैं क्लियर हूँ। अपन आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहला अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है निमोनिया, निमोनिया के कॉजेस और उसके ट्रीटमेंट कि कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया क्या, निमोनिया क्या है, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या है, इसे आपको पता होना चाहिए। अस्थमा है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अस्थमा और COPD की गाइडलाइंस। तो COPD का अपन लोग यूज़ करते हैं गोल्ड क्राइटेरिया, ये जो आपको पता होना चाहिए, इसमें से एक क्वेश्चन आया था पिछले नीट में। नेक्स्ट अपना लंग कैंसर, लंग कैंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपको इसको सप्लीमेंट करना पड़ेगा पैथो के साथ, आप पैथो से भी इसको लंग कैंसर को पढ़िए और मेडिसिन में भी इसको साथ में कोरिलेट करिए, तो ये आपको बहुत ही बेनिफिट देगा। नेक्स्ट अपना प्लूरल इफ्यूजन, प्रोफेशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे अपना निमोकोनियोसिस, इसमें सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अपना पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का आपको ग्राफ पूछते हैं, तो आप इसको सप्लीमेंट करिएगा फिजियो के साथ में। बेसिकली जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है वो फिजियो में पढ़ाया जाता है, तो आप इसको फिजियो के साथ कोरिलेट करिएगा। नेक्स्ट अपना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीजेस और रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीजेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है ये कि कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो इसकी जो टॉप टेबल है वो अपने मैं अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम हैंडल पे। नेक्स्ट अपना ARDS, और तो ARDS का आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए कैसे आप डायग्नोस करते हो ARDS को। और एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइपर सेंसिटिव निमोनाइटिस, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपना सिस्टम है GIT, तो GIT में सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, तो इसके जो भी टेस्ट जो भी जिससे कि आप डायग्नोस करते हो कि ये माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, आपको सब टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए और उसकी बायोप्सी फाइंडिंग आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सीलिक डिसीज में क्या बायोप्सी फाइंडिंग मिलती है, पिपल डिसीज में आपको क्या बायोप्सी फाइंडिंग मिलती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इसके एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन, इनकी पैथोलॉजी, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसमें जो एक्स्ट्रा इंडस्ट्रियल मैनिफेस्टेशन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज में। नेक्स्ट अपना इरिटेबल बाउल डिसीज, इसका आपको एक क्राइटेरिया है, एक डेफिनेशन है जो मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट सिस्टम है अपना लीवर, जिसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायरल हेपेटाइटिस, इसमें सीरोलॉजी ऑफ हेपेटाइटिस बी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे एक क्वेश्चन एम्स में भी और नीट में भी आता ही है, तो आपको सीरोलॉजी पता होना चाहिए कि एक्यूट कंडीशन में क्या क्या एंटीबॉडीज मिलती हैं, क्रॉनिक कंडीशन में क्या क्या मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि विंडो पीरियड में आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलती है, तो इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा पूरा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट अपना कि प्री कोर म्यूटेशन में आपको क्या मिलता है, आपको सब पता होना चाहिए प्री कोर म्यूटेशन आपको क्या क्या एंटीबॉडीज पॉजिटिव मिलती हैं, सब आपको पता होना चाहिए। तो और साथ में साथ आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है फैटी लीवर डिसीज, जिसमें कि अल्कोहलिक फैटी लीवर आ जाता है और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज आ जाता है, तो इन दोनों का आपको इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक डिसीज जो कि लीवर में पूछी जाती है वो है विल्सन डिसीज, तो ये तो आपको बिल्कुल बाई हार्ट याद होना चाहिए कि विल्सन डिसीज में कि क्या आपको फाइंडिंग मिलती है सीरम में और ब्लड लेवल में, इसकी कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको पता ही होने चाहिए, इसके बिना आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको पे करना पड़ेगा,
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विल्सन डिसीज़। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस वर्सेस प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट अपना सिस्टम है किडनी। किडनी में आपको एक्यूट किडनी इंजरी और सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिसीज़ दोनों के क्राइटेरिया और डेफिनेशन और स्टेजिंग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि अपन लोग सीकेडी में रेफल क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा आपको साथ साथ कॉम्प्लिकेशन। तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हैं सीकेडी, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेफ्रोटिक वर्सेस नेफ्राइटिक सिंड्रोम के बारे में, क्या क्या कॉजेस होते हैं पर्टिकुलर डिसीज़ के, क्या ट्रीटमेंट है दोनों के पर्टिकुलर डिसीज का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटीआई जैसे कि अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई क्या है, एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया क्या होता है, क्या क्राइटेरिया होता है डायग्नोसिस करने का यूटीआई का, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है। नेक्स्ट सिस्टम है अपना एंडोक्राइन। एंडोक्राइन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायबिटीज़ के। आपको डायबिटीज़ के बारे में आपको हर एक लाइन पता होना चाहिए, चाहे उसकी डेफिनेशन हो, चाहे उसका क्लासिफिकेशन हो, और जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है जो एक्यूट किडनी डिसीज़ का जो भी कॉम्प्लिकेशन होता है डायबिटीज़ का, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि एक्यूट कंडीशन में आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मिलता है, क्रॉनिक कंडीशन में आपको नेफ्रोपैथी मिलती है, न्यूरोपैथी मिलती है, वो जो भी न्यू ड्रग्स है डायबिटीज़ के ऊपर, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको फार्मा से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसे अपना पिट्यूटरी में आपको डायबिटीज इंसिपिडस और SIEDS के बारे में बताना चाहिए। जो SIEDS है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल इसमें एक क्वेश्चन आता है SIEDS में, तो मैं इसमें एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना एड्रेनल में, एड्रेनल ग्लैंड में आपको एडिसन डिसीज के बारे में पता होना चाहिए, कुशिंग सिंड्रोम, इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। जैसे आप डायग्नोस करते हो कि ये कुशिंग सिंड्रोम है या फिर कोई कुशिंग डिसीज़ है, और साथ साथ फियोक्रोमोसाइटोमा के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या ड्रग ऑफ चॉइस है, क्या 5 पीस होते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। आई होप मैं क्लियर हूँ। ऐसे अपना सिस्टम है CNS में आपको पता होना चाहिए कि CNS में पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजर्स में क्या ड्रग आप देते हो, क्या इंडिकेशंस होते हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग को स्टॉप करने के लिए। तो ये अपने जो इंडिकेशन है वो मैं अपने इंस्टाग्राम में डाल दूंगा। नेक्स्ट अपना है स्ट्रोक। तो जो स्ट्रोक जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है CNS में। तो स्ट्रोक में स्ट्रोक का लोकलाइजेशन और क्या गाइडलाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा ये। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स, जिसमें कि अल्जाइमर डिसीज और पार्किंसन डिसीज आते हैं। इसमें आपको याद रखना कि क्या रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इन पर्टिकुलर डिसीजेस में, क्या प्रोटीन डिपॉजिट मिलता है, क्या न्यू ड्रग्स हैं इन पर्टिकुलर डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, क्या डिसीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स आई हैं, तो ये आपको फार्मा से सप्लीमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेनिनजाइटिस, जिसमें कि जो टेबल ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कि वायरल मेनिनजाइटिस में क्या मिलता है, ट्यूबरकुलर मेनिनजाइटिस में क्या फाइंडिंग्स मिलती है, बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस है तो क्या फाइंडिंग मिलेगी, उसकी एक टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो, कि कॉब वेब फॉर्मेशन आपको किस मेनिनजाइटिस में मिलता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि टीबी में कॉब वेब फॉर्मेशन मिलता है, किस मेनिनजाइटिस में प्रोटीन की क्वांटिटी कम मिलती है, किस में क्लोराइड की क्वांटिटी बढ़ती है, इसे आपको पता होना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है बहुत। नेक्स्ट अपना ALS एमाटोपिक लेटर स्क्लेरोसिस, जो कि स्टीफन हॉकिंस को एक डिसीज़ थी, जिसको अपन लोग बोलते थे एमाटोपिक लेटर स्क्लेरोसिस, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना गुलियन-बारे सिंड्रोम। तो गुलियन-बारे सिंड्रोम के बारे में आपको एक एक लाइन पता होना चाहिए कि इसके क्राइटेरिया क्या है। इसी बार एम्स में गुलियन-बारे सिंड्रोम के बारे में ऊपर एक क्वेश्चन आया था, तो आपको क्या क्राइटेरिया है, क्या डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट देते हैं अपन लोग गुलियन-बारे सिंड्रोम में, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मायसिनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन मायसिनिया सिंड्रोम। तो लैम्बर्ट ईटन और मायसिनिया ग्रेविस के बारे में आपको आपके के बीच में आपको अंतर पता होना चाहिए कि कैसे आप डायग्नोस करोगे कि लैम्बर्ट ईटन है या फिर मायसिनिया ग्रेविस है।
इसके ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट बेस्ड बैलेंस। इससे एक पर्टिकुलर हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है एसेट बेस्ड बैलेंस, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन का। साथ साथ में सेप्सिस की जो ग्रेडिंग है, उस सेप्सिस को डायग्नोस करने के लिए क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मलेरिया, नेक्स्ट है HIV और TB। तो इन तीन इन्फेक्शन डिसीजेस जो कि मेडिसिन में इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया, HIV और ट्यूबरक्लोसिस, सॉरी, और टाइफाइड वो इंपॉर्टेंट है। तो टाइफाइड, मलेरिया, HIV और TB, इन तीनों के क्लिनिकल फीचर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस और आपको ट्रीटमेंट पता होना चाहिए कि क्या ट्रीटमेंट जमीन देते हैं अपन लोग इन तीनों पर्टिकुलर इन्फेक्शन डिसीजेस में। नेक्स्ट अपना कि सोडियम पोटेशियम एप्टाइड इम्बैलेंस में क्या कॉजेस होते हैं, क्या इसी चेंजेस मिलते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है सोडियम पोटेशियम एप्टाइड इम्बैलेंस का। यदि हाइपोनेट्रीमिया है तो क्या ट्रीटमेंट दोगे, यदि हाइपरकैलीमिया है तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है पेशेंट को, सेंटर पोन्टाइन माइनोलाइसिस क्या होता है, रैपिड करेक्शन ऑफ, यदि आप सोडियम करते हैं तो आपको सेंट्रल पोन्टाइन माइनोलाइसिस मिलता है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सब पता होना चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। ऐसे अपना लास्ट सिस्टम है अपना रूमेटोलॉजी, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो रूमेटोलॉजी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, पर अगर एक चीज़ कोई मेंशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है SLE, जिसका क्राइटेरिया कौन सी एंटीबॉडी डिपॉजिट आपको मिलती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो वैसे तो आपको पूरी रूमेटोलॉजी पढ़ना है क्योंकि पूरी रूमेटोलॉजी ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। में मैंने एक वीडियो बनाया भी है जो मेरा चैनल पे, तो आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हैं, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेडिसिन के। सो ECG, तो अगर मेरे को समराइज करना है तो ECG, एफेजिया, स्ट्रोक, RTA, तो ये जो कुछ है, और टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी फेलियर, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप मेडिसिन में छोड़ के नहीं रह सकते। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको पूरा कंटेंट नवंबर के पहले आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ शॉर्ट समरी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और हाई यील्ड टॉपिक्स की। तो आप इन टॉपिक्स को, आपको जो भी आपका ई लर्निंग ऐप आप यूज़ कर रहे हैं उनसे आप इनके वीडियोस देखिए, इनके क्यू बैंक सॉल्व करिए, और मैं भी अपनी तरफ से पूरे इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, मैं इसी तरीके से आपको कंटेंट बना के देता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, होप हैव अ नाइस डे, थैंक यू।